Hi students, now we will discuss about the angiospermic flower. Okay, your chapter is last topic of the third chapter. Now we discuss about the angiospermic flower. हम देखते हैं angiospermic flower का ये flower है आपके सामने दिखा है. आप सभी student ने flower को देखा होगा. जितने भी flowers होते हैं angiospermic world में, जितने भी flowering plants हैं वो सारे angiospermic कहलाते हैं. ठीक है, angiospermic division होता है, angiosperm उसमें आते हैं ये सारे flowering plants. हम discuss करते हैं यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पेंडुकल. ये पेंडुकल जो पार्ट आप देखते हो, ये पेंडुकल क्या है? ये पेंडुकल एक सीधा स्ट्रेट पार्ट होता है जो सपोर्टर होता है, एक तरीके से सपोर्ट करता है. ठीक है, प्लांट्स को. नेक्स्ट आता है रिसेप्टिकल. एक रिसेप्टिकल पार्ट होता है. ये रिसेप्टिकल क्या, बहुत से उसमें ये प्रोटेक्ट रखता है पूरे इन्फ्लोरिसेंस को. एक फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर के स्ट्रक्चर को पूरे को इन्फ्लोरिसेंस बोलते हैं. जो स्ट्रक्चर होता है कुछ फ्लावर्स में, ये रिसेप्टिकल एडाइबल फ्रूट में चेंज हो जाता है, फूड में एडाइबल खाने की फॉर्म उसमें, तो बहुत से उसमें एडाइबल फ्रूट की फॉर्म में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ऊपर की ओर सेपल्स होते हैं. जो सेपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं. फ्लावर के नीचे आपने देखा होगा क्या होगा, सेपल्स होते हैं. सेपल के जो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं. ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेपल्स. अगर ये ग्रुप में है, मैनी है, मैनी सेपल्स हैं, अ ग्रुप ऑफ सेपल्स हो जाते हैं तो उसको कैलिक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं. याद रखिए अ ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स. तो ग्रीन के बाद में हम चलते हैं कलरफुल पार्ट्स. कलरफुल वाले फ्लावर में कलरफुल पार्ट्स होते हैं. जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं. पेटल्स जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला. अगर ये ग्रुप है 1 2 3, इसको मिला लीजिएगा 1 2 3, इसको बोलेंगे कोरोला. कोरोला ठीक, एक अगर है उसको बोलेंगे क्या, पेटल्स. अ ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला. अ ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स. क्लियर हो गया. ये ग्रीन पार्ट होते हैं, ये कलरफुल पार्ट होते हैं. ये ग्रीन पार्ट इसलिए होते हैं क्योंकि क्या होता है, ये नरिशमेंट मिलता है जिससे कि ये ऊपर के पार्ट्स को, वर्म को प्रोटेक्ट रखते हैं. ठीक है, एक एक जगह पर नरिश मिलता है. अगर ये ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, पूरा बल्ब नीचे गिर जाएगा. इसलिए ये क्या काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. पेटल्स क्या होता है, यहाँ पर तो कलरफुल देख रहे हो, कलरफुल पार्ट पेटल्स इसलिए होता है जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेटर्स इंसेक्ट अदर एनिमल्स अट्रैक्ट होकर आते हैं. समझिए कुछ रीजन है अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं. क्यों, क्योंकि फ्यूचर में उन्हें पता है कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए पॉलिनेटर्स का यूज होगा. इसलिए नेचर ने क्या काम किया, साइंटिफिक, उसमें कलरफुल पार्ट्स, ये कलरफुल बन जाते हैं. जो कोरोला होते हैं इन्हें देखकर अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट आते हैं, उन्हें पॉलिनेटर्स कहते हैं, जो पॉलिनेशन का वर्क करते हैं. ठीक है, पॉलिनेटर्स. तो हमने इतना स्टडी करने के बाद हम दूसरे पार्ट्स पे पहुंचते हैं. यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट्स आपको दिख रहा है ये क्या है, एंथर फिलामेंट. तो फिलामेंट ये सीधा पार्ट्स होता है, ऊपर एंथर होता है. ठीक है, और एंथर फिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेमिन कहलाते हैं. इसे स्टेमिन कहते हैं. ये मेल पार्ट होता है. क्यों मेल पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स ऑलरेडी आप स्टूडेंट्स स्टडी कर चुके हो क्लास 10th में, जो अभी 11th क्लास में आए हो, कि पॉलन ग्रेन्स एंथर बनते हैं. पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स कहते हैं. ये पूरा मेल पार्ट होता है, इसे स्टैमिन भी कहते हैं. टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंथर और फ्लामेन. ओके, फिर हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पर एक आपको देख रहे हैं, ये फीमेल पार्ट दिया है. यहाँ पर ऊपर का पार्ट स्टिग्मा कहलाता है, ये नीचे का पार्ट स्टाइल होता है, और ये जो ओवल लाइक स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, सोयलन, इसे ओवरी कहते हैं. ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर क्या बनता है, एग. ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम. ठीक है, ये बनता है. अच्छा, फिर नेक्स्ट आता है कि हम बोलते क्या है, माइक्रो स्पोरोफिल इसको बोलते हैं, मेगा स्पोरोफिल इसे बोलते हैं. माइक्रो स्पोरेंजियम होता है, इनके अंदर बनते हैं फोर, और इसके अंदर मेगा स्पोरेंजियम में एक सिंगल ओव्यूल होती है. क्लियर, ठीक. और इस फीमेल पार्ट्स को हम पिस्टिल भी कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं. ये है फीमेल पार्ट. तो ये फीमेल पार्ट होता है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन गैमेट्स में. मेल फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये जो ओव्यूल दिख रही है ये सीड में चेंज हो जाता है, बीज बन जाता है, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट्स में चेंज हो जाती है. ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में ओवरी वॉल नहीं थी, यहाँ पर ओवरी वॉल है, और सीड क्या है, कवर है, नेल्ड नहीं है. ठीक, नेक्स्ट.
तो इतना हमने स्टडी किया, ये है स्ट्रक्चर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे बोलते हैं, बाइसेक्सुअल कमींस क्या होता है, बाइसेक्सुअल कमींस हम यहां पर डिस्कस करते हैं, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर या मोनोसियस फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, कहते नहीं कहते, ठीक। अब हम आते हैं यहां पर, आप देख रहे हैं इतना डिस्कस हमने कर लिया, ठीक है। अब आते हैं हम यहां पर, तो ये होता है यूनिसेक्सुअल, ये है बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल मेल फीमेल अगर एक ही फ्लावर में, उसे क्या कहेंगे आप, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे या मोनोसियस कहेंगे, याद कर ला, और कंफ्यूजन हो जाती है मोस्टली स्टूडेंट्स को, लेकिन आप अच्छे समझना, बाइसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल मोनोसियस, जब मेल और फीमेल एक ही में हो उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल मोनोसियस। नेक्स्ट आता है, जब मेल फ्लावर अलग है, सेपरेट है, और फीमेल अलग, जब मेल फीमेल सेपरेट हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस फ्लावर कहेंगे। मैंने आपका कंक्लूजन लिख दिया है, ये सामने लिखा है बाइसेक्सुअल मोनोसियस। बाइसेक्सुअल मोनोसियस कैसे कहते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल इन अ फ्लावर, जब एक फ्लावर में मेल और फीमेल हो, जब एक फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो या गैमेट्स बनते हो, उस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल या मोनोसियस कहते हैं, और यूनिसेक्सुअल डायोसियस किसे कहते हैं, जब मेल और फीमेल फ्लावर आर सेपरेट, अलग अलग हो, वो यूनिसेक्सुअल होता है और डायोसियस होता है, नहीं होता है, जैसे हम है, ह्यूमन क्या है, मोनोसियस है या डायोसियस है, हम मोनोसियस नहीं है, हम डायोसियस हैं, हम मेल अलग है, फीमेल अलग है, सेपरेट हैं, जब सेपरेट होते हैं उन्हें कहते हैं डायोसियस, उन्हें कहते हैं क्या, डायोसियस। तो हम डायोसियस भी है, यूनिसेक्सुअल भी है, क्योंकि हम सेपरेट्स हैं, क्लियर। और बाइसेक्सुअल मोनोसियस किसे बोलते हैं, जब मेल फीमेल एक ही में हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम बाइसेक्सुअल और मोनोसियस। तो यहाँ पर जो फ्लावर आप देख रहे हो, ये जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल है, क्योंकि मेल और फीमेल एक ही में है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो जाता है, और बाइसेक्सुअल को मोनोसियस भी कहते हैं, ठीक है। डाइसेक्सुअल क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर और डायोसियस फ्लावर, क्लियर, याद रखिए। लेकिन अगर एक ही प्लांट पर मेल हो और फीमेल हो एक ही, वो प्लांट कहलाएगा बाइसेक्सुअल, फ्लावर नहीं कहलाएंगे, वो इंटरनल चीज आ जाती है, ठीक है, कोई भी है। तो आज आपने देखा यहाँ पर एंजियोस्पर्म फ्लावर का, फ्लावर का स्ट्रक्चर दिया है हमने, देखा इसको क्या कहते हैं, मेल पार्ट्स होता है, इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स भी कहते हैं इसको, इसको मेगा स्पोरोफिल्स भी कहते हैं, मेगा स्पोरो, ठीक है, मेगा स्पोरोफिल्स कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसमें होता क्या है, मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर इसका फ्लावर के बारे में एक्सप्लेन करा दिया है, ये फ्लावर्स होता है, आपको मैंने बोल दिया, यहाँ पर अगेन उसको रिवाइज करा देते हैं, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पर पेंडिकल होता है, ये रिसेप्टिकल होता है, ये सीधा स्टैंड इसको सपोर्ट में रखता है, रिसेप्टा के लिए डाइवल पार्ट्स होता है, फ्यूचर फर्टिलाइजेशन के बाद ये फल में भी बदल जाता है, रिसेपल्स होते हैं, कुछ में बदलता है कुछ में नहीं बदलता, याद रखिएगा, सेपल्स होते हैं, जैसे रिसेप्टाकल्स पार्ट फ्रूट में बदल जाता है, बहुत से फ्रूट्स में, बहुत से में नहीं, जैसे क्या आता है, जैसे स्ट्रॉबेरी, ठीक है, आपने देखा होगा उसमें चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है सेपल्स ग्रीन, एप्पल में भी ये चेंज हो जाता है, सेपल्स ग्रीन होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेपल स्टार्ट कैलिक्स ग्रीन होते हैं, नरिशमेंट होता है, इसको प्रोटेक्ट रखते हैं। फिर पेटल्स आता है, कलरफुल पार्ट्स होते हैं, पॉलिनेटर अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है यहाँ पर मेल पार्ट्स भी है, एंथर फिलामेंट्स होते हैं, पॉलिन ग्रेन यहाँ पर फॉर्म होते हैं, ये फीमेल पार्ट होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी थ्री पार्ट्स होते हैं, किसके, पिस्टल कार्पल, ये फीमेल पार्ट्स होता है, ठीक है, यहाँ पर, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर रिप्रोडक्शन अकर्स होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था फ्लावर के बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन दी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करें, ओके, गुड बाय।